आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल पैसा के बारे में। कैपिटल पैसा दूसरे डीएसए से अलग क्यों है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको डीएसए अगर लेना है तो कहाँ से लेना है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जीरो नॉलेज है, तो उनका कहना यह है कि भाई डीएसए फ्री में मिलता है। तो डीएसए फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, एक प्रॉपर डीएसए। हाँ, अगर आपको लीड सबमिट करना है तो बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे लोग हैं जो आपको डीएसए देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पेड डीएसए देते हैं, फिर भी वो लोग फ्रॉड होते हैं, ठीक है। फ्रॉड का मतलब आपको बोला जाता है कि आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी दिया जाएगा, बाद में पता चलता है पेमेंट करने के बाद कि डायरेक्ट लॉगिन आईडी हो ही नहीं रहा है, लीड सबमिट कराया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। और कोई भी अगर मान के चलो कि आपको बैंक की आईडी या क्रेडिट कार्ड के डायरेक्ट बैंकिंग का लिंक आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्री में डीएसए क्यों देगा? तो फ्री में डीएसए देने का मतलब है कि लोगों के डेली का 50 लोग आएंगे, 50 लोगों को मैनेज करना डेली का, महीने में 1000-2000 लोग आते हैं, और मैंने किया है ये चीज़, ठीक है। तो आते हैं मंथली 1000-2000 लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, उसमें काम के सिर्फ 10 लोग निकलते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने आपके लिंक पे फ्रॉड केस डाल दिया तो उसकी पेनल्टी किसको लगेगी? मुझे लगेगी। तो मैं फ्री में किसी हर किसी को डीएसए क्यों दूंगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि कोई आपको बैंक की लॉगिन आईडी देता है, एनबीएफसी की आईडी देता है, 30 से ज्यादा आईडी आपको देता है और वो आपको फ्री में देगा, तो पूरे इंडिया में ढूंढते रहोगे, आपको कहीं आईडी नहीं मिलने वाली है। पेड डीएसए देते हैं 50,000 रुपये में, आप जाके इंक्वायरी करो, 15 आईडी देते हैं, यहाँ 2,000 रुपये में 30 से ज्यादा आईडी मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रॉड नहीं होता है किसी भी तरीके का, आपकी एक भी फाइल इधर से उधर नहीं जाएगी क्योंकि डायरेक्ट लॉगिन आईडी है, आप खुद लॉगिन करोगे, वो डेटा कंपनी के पास नहीं आएगा, वो डेटा डायरेक्ट आपका बैंक या एनबीएफसी के पास जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये कंफर्म कर दूं कि जिस दिन हम लोग ऑन ब्रांडिंग भी करते हैं लेकिन नए लोगों को ऑन ब्रांडिंग नहीं देते हैं। मार्केट में कुछ लोग हैं ऑन ब्रांडिंग के नाम पे बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। जूम पे मीटिंग होती है, दिखाया जाता है आपको कि जो उनसे ऑन ब्रांडिंग लिया वो कितना पैसा छाप रहे हैं, सब फेक है। इन सब चक्कर से बच के रहो, वरना एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, आप किधर भी ज्वाइन होकर आओगे 6 महीने के बाद आप कैपिटल पैसा में ही आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ओन ब्रांडिंग हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं? उसका रीज़न ये है कि ओन ब्रांडिंग के लिए 30,000 रुपीज चार्जेस है हमारे यहाँ। अगर आप उसे ईएमआई में देते हो, 2 ईएमआई बनती है, 1,18,000 की, 1,17,000 की, तो आप जोड़ोगे तो 35,000 बनते हैं, वन टाइम में आप लोगे तो 30,000। यही ओन ब्रांडिंग लोग 50,000 रुपये में दे रहे हैं और ऑफर में आपको दिखाते हैं कि आज 35,000 रुपये का ऑफर है, आप ले लो जल्दी से, और कुछ लोग फंस जाते हैं उनके जाल में। तो ओन ब्रांडिंग लेने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो सीआरएम दे रहे हैं, मतलब कि लीड सबमिट कराना है, तो आप लोगों को ऐड करते हो, उनसे लीड सबमिट कराते हो और लीड सारी उनको दे देते हो, तो वो उस लीड पे क्रॉस सेल करते हैं, 6 महीने के बाद उसी लीड को वो बीटी में ओडी में कन्वर्ट कराते हैं, उस लीड को बेचते हैं। एक नाम नंबर 1 रुपये का भी बिकता है, 10 रुपये का भी बिकता है, ये आपको पता होगा। तो भाई अगर ओन ब्रांडिंग में तुम 50,000 रुपये किसी को दे रहे हो सीआरएम के लिए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में पहली कंपनी हमारी ऐसी है कैपिटल पैसा, जो आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराती है। इस चीज़ की मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे जितनी आपकी पहुँच होगी उतनी पहुंच लगा के आप दिखा देना कि कोई फ्री में आपको डायरेक्ट लॉगिन आईडी प्रोवाइड करेगा, वो भी इतनी ज्यादा, ठीक है। सपोर्ट नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जीरो सपोर्ट है। मैं 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ग्रुप होता है लोन को या कार्ड का हो, वो डायरेक्ट बैंकर होता है उस ग्रुप में, कोई हमारे, देखो लोग ग्रुप बनाते हैं और अपने ही ग्रुप में अपने एक एम्प्लॉय को रख देते हैं, दिखा देते हैं उसका बैंकर है तो ये है वो, मैंने काम किया है लोगों के साथ, मैंने देखा है। तो अपने यहाँ वो सब नहीं होता है, अपने यहाँ आपको डायरेक्ट ओरिजिनल मिलेगा बैंकर। अगर आप एक्सिस बैंक में काम कर रहे हो, वहाँ का ग्रुप है तो एक्सिस बैंक का बैंकर मिलेगा, एयू में कर रहे हो तो एयू का बैंकर मिलेगा, फेयरसेंड पे कर रहे हो तो फेयरसेंड का बैंकर मिलेगा, वहाँ पे बैंकर मिलेगा, प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल आईडी देगा उसी कंपनी की जिस कंपनी में आप लोन कर रहे हो, ठीक है।
तो डायरेक्ट बैंकर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर आप ओन ब्रांडिंग लेते हो तो पहले आपको ज्वाइन होना है, हमारी सर्विस देखना है, आपको 30,000 रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2,000 रुपए छोटा अमाउंट है, हर कोई 2,000 रुपए कोई एक दिन में खर्च करता है, कोई 10 दिन में खर्च करता है, 2,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो 2,000 रुपए आप लेके जब ज्वाइन होते हो, आप काम करते हो, आपको लगता है कि हाँ आपको ओन ब्रांडिंग करना चाहिए, तब आप ओन ब्रांडिंग कराओ, 2,000 रुपए आपके 30,000 में से माइनस कर दिए जाएंगे। ये सही तरीका होता है अगर आप किसी को कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये चीज है, नहीं मैं आपको 30,000 रुपए में ओन ब्रांडिंग दूंगा लेकिन मैं आपको कोई डेमो नहीं दूंगा। डेमो का मतलब क्या होता है, आप किसी भी फर्जी आदमी को बैठा लो जूम पे और बता दो, हाँ भाई कितना कमाए, वो बता देगा, हाँ मैंने पिछले महीने 1 लाख कमाया, आप यकीन कर लोगे। तो ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, ठीक है। तो ओन ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो लॉगिन आईडी है वो अगर आपको आपकी वेबसाइट के नाम पे, आपके एप्लीकेशन के नाम पे बना के दी जाती है, तो आप किसी भी अगर डीएसए वाले को जोड़ते हो, चाहे आप फ्री में जोड़ो, अब चाहे आप चार्जेस लेके जोड़ो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा क्योंकि उसे डायरेक्ट लॉगिन आईडी मिल रही है। आज के टाइम में कोई भी लीड सबमिट करना नहीं चाहता है, ठीक है। लोग जो मुझे बोलते थे कि डीएसए तो फ्री में मिलता है, मैं नहीं लूंगा, 6 महीने के बाद आके मुझे पेमेंट करके जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप किधर भी जाके घूम लो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक कंपनी मिलेगी और वो है कैपिटल पैसा, जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको काम सिखाएगी, सब कुछ सिखाएगी। सीआरएम में कौन आपको काम सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है। सिर्फ काम क्या है, लीड भेजना। आप लीड पूरी जिंदगी भर भेजोगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करना सिखाया जाएगा, आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने सीख जाओगे। अगर आप हर बैंक में लॉगिन करना जानते हो, कहीं आप अगर जाके जॉब भी करते हो किसी कंपनी में, तो वहां पे भी आपको, मैं बात कर रहा हूँ मेट्रो सिटी में जाके आप काम करोगे तो आपको 40,000 50,000 रुपए जॉब भी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ लीड सबमिट करा रहे हो सीआरएम में, तो वो कौन सा आपका नॉलेज हो गया, कोई नॉलेज नहीं, उसे तो कोई भी कर सकता है, एक फॉर्म भरना है। तो डायरेक्ट लॉगिन आईडी लो, डायरेक्ट काम करो, काम सीखो। पे आउट की बात रही, अभी जो पे आउट मैं दे रहा हूँ कम नहीं दे रहा हूँ, जो मार्केट में पे आउट चल रहा है वही देता हूँ। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पे आउट इंक्रीज होने वाला है, तो पे आउट जब इंक्रीज होगा तो साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन फी 2,000 है वो 5,000 रुपये होगी। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी तक सिर्फ मैंने यही कहा था कि फीस बढ़ने वाली है, फीस बढ़ जाएगी, 2,000 से 5,000 हो जाएगी, ठीक है। आईडी और भी ऐड होने वाली है, आईडी बहुत सारी आई है, तो आईडी भी ऐड हो जाएगी, नई नई आईडी, तो 30+ आईडी हो जाएगी। मैं इसे कोशिश करूंगा कि 40 से 50 आईडी तक जाके पहुंचे, यानी इतनी आईडी आपके पास हो कि अगर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होने चाहिए, अगर एक जगह से रिजेक्ट होता है तो 10 ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो क्लियर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई, आप जब काम स्टार्ट करोगे, आप जब डिसबर्स कराना स्टार्ट कर दोगे, आपका काम अच्छा खासा रहेगा, तो आपके पर्सनल नाम से हर एक की आईडी मैं बना के दूंगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। दूसरे लोगों की तरह सीआरएम में मैं आपको लीड कलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको काम कहाँ से करना है। अगर आप फ्री डीएसए ढूंढ रहे हो तो आप यकीन मानो आप इस लाइन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर आप उन लोगों के चक्कर में पड़ते हो जो आपको सीआरएम प्रोवाइड करते हैं और आप उनसे जाके ओन ब्रांडिंग लेते हो, 35,000 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से भी आप लेना, इंक्वायरी करके लेना। और मैं फीस नेक्स्ट मंथ में बढ़ा रहा हूँ, 2,000 से 5,000 होगी। बहुत सारे लोग इंक्वायरी करके गए थे, उनको पता होगा अच्छे से, हमारी तरफ से कभी भी रिप्लाई मैसेज नहीं जाता है कि भाई आप डीएसए ले लो, क्योंकि देखो मैं कोई चीज बेच नहीं रहा हूँ आपको जबरदस्ती, ठीक है। मेरा काम है सिखाना, मैंने स्ट्रगल किया, सीखा, मुझे 5 साल लग गए, वही चीज मैं आपको 5 महीने में सिखा दे रहा हूँ। 2,000 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। कोई भी आप बिजनेस करते हो आज के टाइम में तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, किसी भी लाइन में आप जाके बिजनेस करोगे तो 40-50 हज़ार लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,000। 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या आप एक क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकते हो? एक क्रेडिट कार्ड का पे आउट ही 2,200 2,500 3,000 4,000 रुपये होता है, तो करने वाले कमा रहे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो आपको सीआरएम दे रहे हैं और उसके नाम पे आपको ओन ब्रांडिंग के नाम पे आपको लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहो,
अगर आपको कैरियर बनाना है फाइनेंस में, आपको सीखना है लोन कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे करते हैं, जो भी पॉलिसी होती है सिखाया जाता है, बैंकर सिखाएगा आपको, मैं सिखाऊंगा, साथ में बैंकर आपको ट्रेनिंग देगा, जो चीज आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ से आपको मिलेगी। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।